सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं ऑटोमेटिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटवर्क विद टेराफॉर्म का। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना, लैब बड़ी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो नॉर्मली बस इधर आना, इसको जो है आपको कॉपी करना है एंड इसको जो है इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है। ऐसा इसलिए करते ताकि बेफालतू की ईमेल आईडी क्रिएट ना हो। यूजर नेम ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, एंटर प्रेस कर देना, देन पासवर्ड पेस्ट करना, एंटर दबा देना एंड ये ओपन हो जाएगा। देखो मैंने बोला था ना, कभी कभी नहीं भी पूछता है अंडरस्टैंड। अगर आपको अंडरस्टैंड पूछा है, अंडरस्टैंड पे क्लिक करके अंदर आके टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, बस इतनी सी प्रोसेस करनी है। अगर ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है एक्टिवेट कर लेना यहाँ से एंड इसको जो है मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए एंड इसे ओपन हो जाने दो। मैं इधर आता हूँ, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने दो। ये वाला पार्ट आप स्किप कर दो, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसको आपको कॉपी करना है एंड इधर आना है, इधर आके इसको जो है पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, ये हो गया है, इधर आना वापस से। अब इसको जो है आपको कॉपी करना है एंड इधर आके पेस्ट करना, एंटर दबाना एंड इधर आना है, इधर आके इसको कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट करना, एंटर दबाना। ठीक है, देखो फाइल एग्जिस्ट लिखा है, इन फेल क्रिएटिंग लिंक टेराफॉर्म स्लैश फाइल एग्जिस्ट। सो यार ठीक है, फाइल अगर एग्जिस्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी आप कमांड एक बार रन कर लेना तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, देन इसको कॉपी कर लेना एंड इधर आके इसको जो है पेस्ट करना, एंटर दबा देना एंड ये हो गया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद जो है इधर आना है, इधर आने के बाद इसको जो है पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नीचे आना, आपको एक मेक डायरेक्टरी करनी है tf.tfnet की, तो ये ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टरी आपके जो है एडिटर में ओपन कर देगा। ठीक है, हमने कर दिया, अब हमें एडिटर ही ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे भी वही चीज़ बोली है, तो इधर आना, ओपन एडिट पे क्लिक करना, कॉट इट पे क्लिक करना एंड ओपन इन न्यू विंडो पे क्लिक कर देना। तो यार ये एक विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, नहीं इससे पहले ओपन हो जाने दो। ठीक है, जैसे ये लोड हो रहा है अब आप अपनी फर्स्ट वाली विंडो पे आना एंड इधर से जो है ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर देना। ऐसा इसीलिए, अगर हम ये नहीं करते तो काफ़ी बार ये जो हमने करा है ना इतना सारा, ये वापस से क्लियर हो जाएगा एंड सब उड़ जाएगा। सो दैट्स वाई हमने इसको कर लिया है। वापस से सेकेंड वाली विंडो पे आना, ठीक है, इधर इस एरो पे क्लिक कर देना। अभी ये फाइल पूरी तरीके से एम्प्टी है तो कुछ नहीं दिखेगा, एरो मुड़ चुका है, देखो नीचे की तरफ अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी वापस से फर्स्ट वाले इस पर आना, ठीक है, एंड इधर आना, नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, अब हमें इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना है। तो यार आपको क्या करना है, प्रोवाइडर डॉट टी एफ क्रिएट करनी है। ठीक है, कॉपी कर लो, इधर आना, इधर आने के बाद इधर आना सेकेंड वाले टैब पे एंड ये जो tf.net है ना इस पर लेफ्ट क्लिक करना एंड एक न्यू फाइल पे क्लिक कर देना एंड पेस्ट कर देना। स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, ओके पे प्रेस कर देना, आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। हम आ चुके फाइल के अंदर, इसको जो है कॉपी कर लो। ठीक है, इधर आना, इधर आके जो है पेस्ट करना, एंटर दबा देना एंड इसको जो है यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। इधर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब इसको जो है फर्स्ट वाली विंडो में जाना एंड इधर आके पेस्ट करना, एंटर दबा देना। सो देखो ये सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, अब हमारे को काम हो गया, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। सो यार नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ने से पहले इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमें एक और कॉन्फिगर करना पड़ेगा, एक और फाइल क्रिएट करनी है। किस नाम से, management.tf नाम से हमें एक फाइल क्रिएट करनी है। तो इसको कॉपी कर लेना एंड स्पेसिंग का फिर से वही चीज़, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंड वाली विंडो में आना एंड इसको जो है लेफ्ट क्लिक करना, न्यू फाइल पे क्लिक करना, पेस्ट करना, स्पेसिंग देख लेना सही साठ है कि नहीं है। मैं ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसको कॉपी कर लेना एंड इधर आना, पेस्ट कर देना। ठीक है, अभी कुछ एरर ये बताएगा, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अभी आपको जो है ये दोनों चीज़ों को रिप्लेस करना है, रिसोर्स टाइप का आपको जो है इस वाले से चेंज करना है। तो यार इसको कॉपी कर लो पूरा ब्रैकेट के साथ एंड इसको जो है रिसोर्स टाइप की जगह पे आपको डालना है। इधर आना एंड ये जो रिसोर्स टाइप दिख रहा है ना इसको रिमूव कर देना, ठीक है, ब्रैकेट वाला एंड इधर पेस्ट कर देना इसको। ये आपका काम हो गया। ठीक है, एंड ये जो है इधर आना। अब आपको रिसोर्स नेम को जो है इस नाम से रिप्लेस करना है। कैसे करोगे, इसको जो है आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इधर आना है एंड रिसोर्स नेम को, ये सब मैन्युअली करना। ठीक है, आखिरी में भी एक फाइल दी हुई है उससे मत कर लेना। इसको पेस्ट करना, ये हो चुका है। अब इधर आके इसको सेव पे क्लिक कर देना। ये हमने दोनों टास्क हमारे कर लिए हैं। अब हम नीचे आते हैं, हमें क्या करना है, ऑटो क्रिएट सबनेट को फॉल्स करना है। तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद इधर आना है एंड इधर आने के बाद इधर इसके बाद इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ये हो गया है। वापस से इधर आना, फाइल को सेव कर देना। अब वापस से इधर आना, नीचे स्क्रॉल करके देखना तो देखो आपकी भी फाइल कुछ इसी तरीके से दिख रही होगी, उनने बस ये जो हैशटैग है वो हटा दी, बाकी सारी सेम चीज़ है। सो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक management.tf करके क्रिएट करना है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है,
इस वाले पार्ट में हमने ये पूरा पार्ट करना है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है इधर आना एंड इसको जो है एंटर दबा देना, ठीक है। एंटर दबा दिया, हमारे ये भी है अब management.us और ये सारी चीज़ें हमने कर दी है, ठीक है। ये ऐसे कैसे रहने देना एंड या इसको नीचे स्क्रॉल करना एंड इसको सेव करना है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ को ऐड करना है, तो इसको फिर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इधर आना, इसको एंटर दबाना, इसको पेस्ट कर देना। अब वापस से एरर आएगी, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमने ये चेंजेस अभी नहीं करे हैं, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करने के बाद इधर आना, फिर से मैन्युअली वापस आपको सेम काम करना है। इधर आना, इसको रिप्लेस करते जाना करते जाना करते जाना, पेस्ट कर देना। ये वाली एरर हो गई खत्म। अभी एक और एरर है, क्योंकि हमें अभी रिसोर्स नेम को भी चेंज करना है। सो यार रिसोर्स नेम इतना बड़ा है, इसको पूरा अच्छे से कॉपी करना है। स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वरना एरर आएगी। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ गाइस, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसको रिमूव करना करते जाना ब्रैकेट तक, एंड पेस्ट कर देना। एंड या इस फाइल को जो है आप सेव कर लेना, ये आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको ये वाली लिंक, मतलब ये वाली, इसको कॉपी करना है एंड इसको जो है ऐड करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो नॉर्मली बस ये 00 के बाद जो ब्रैकेट लगा ना, एंटर प्रेस करना है, इसको ऐड कर देना। एंड या फाइल को जो है सेव कर लेना, बार बार सेव करते रहना, क्योंकि अच्छा रहता है ऐसा करने से। एंड ये हमारा हो चुका है। अब हमें जो है ये भी ऐड करना है, तो इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है इधर आके एंटर प्रेस करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। एंड वापस इधर आना, कुछ इस टाइप की हमारी फाइल जो है आपको भी दिख रही होगी, हमारी भी कुछ फाइल इसी तरीके की है। सो ठीक है गाइस, एक चीज़ मुझे समझ में आई कि ये जो फाइल है ना, इसको जो है हमें ये वाली फाइल को, इसको पूरी कॉपी करना, वापस यहाँ से कंट्रोल एक्स कट ही कर लेना पूरी। एंड ये जो लिंक है ना, इसके बाद एंटर प्रेस करना एंड इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, इसको जो है सेव पे क्लिक कर देना। ये फाइल रेडी हो गई है हमारी परफेक्टली। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है इंस्टेंस नाम से, ठीक है। तो यार इंस्टेंस को कॉपी कर लेना। देखो अभी मेरे इंस्टेंस में ना एक हल्की सी स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता कर रहा हूँ मैं। सो यार इधर आना, लेफ्ट क्लिक करना, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना, एंड जब आप क्लिक करो पेस्ट करना, देखो इधर मैंने फ्रंट पे रखा, एक बैक स्पेस दबाया, हुआ। सो यार ये क्रिएट करती है प्रॉब्लम, सो मैंने कर दिया है एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। फिर से शायद हमें main.tf क्रिएट करना पड़ेगी। हाँ देखो main.tf हमें क्रिएट करनी है। सो वापस से main.tf को बहुत ध्यान से कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं एक और बार कर लेता हूँ, एक सेकंड गाइस, ठीक है। मैं एक सेकंड अच्छे से कर लेता हूँ। या ये मैंने कॉपी कर लिया, मैं उधर जाके ब्रैकेट हटा दूंगा। एंड लेफ्ट क्लिक करना, न्यू फाइल पे क्रिएट करना एंड इधर पेस्ट करना, ठीक है। अब इधर मैं किस में करा, इंस्टेंस के अंदर मैंने लेफ्ट क्लिक करा है, ठीक है। आप tf नेट पे मत करना, ठीक है। ओके पे क्लिक करना आप। सो एक और नई फाइल जो है आपकी क्रिएट हो गई है, देखो इधर आ चुकी है एक और नई फाइल, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको कॉपी करना है एंड इधर आना है। इधर आने के बाद जो है इसको पेस्ट करना। इधर पेस्ट करने के बाद अभी दो एरर्स है इस फाइल में, क्योंकि हमने नाम एंड जो रिसोर्स का टाइप है वो हमने चेंज नहीं करे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, उसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना, फुल स्टॉप मत कॉपी करना गाइस, फुल स्टॉप माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है इसके अंदर, तो या रिसोर्स टाइप को रिमूव कर देना एंड पेस्ट कर देना इसको। देन वापस से बैक आना, बैक आने के बाद जो है वेयर इंस्टेंस नेम को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो है इधर आना एंड इसको जो है रिसोर्स नेम को इसको बैक करना, बैक करने के बाद इसको पेस्ट करना एंड या सेफ पे क्लिक कर देना। तो यार ये काम हमारा हो चुका है। इधर आना नीचे, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इसको कॉपी कर लेना एंड इधर आना, इधर एंटर प्रेस करना नेम के बाद एंड इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब इधर आना वापस से, आपको इसको भी ऐड करना है, तो यार इसको भी कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद जो है इधर आना, एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना। ये हमारे को अभी एरर दे रहा है, तो कंट्रोल जेड दबाना, ठीक है। वापस से बैक पे आना एंड नीचे एंटर दबाना इसके एंड इधर पेस्ट करना इसको। सो अभी एरर क्या दे रहा है मैं चेकआउट कर लेता हूँ गाइस, कि ये फाइल में क्या एरर आ रही है हमारी। सो बेसिकली एड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड कुछ इस टाइप का हमारा जो है वो दिख रहा है। सो मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, हमारी ऐसी ही फाइल दिख रही है क्या, मैं एक बार देखता हूँ। देखो रिसोर्स नेम तो हमारा इसी टाइप का था, ठीक है। एंड इसने बोला है कुछ इस टाइप से आपको ऐड करना, तो एक काम करो गाइस, इसी फाइल को कॉपी कर लेना, ठीक है। इसी फाइल को कॉपी करने के बाद इधर आना, कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना, ठीक है। ऐसा करने के बाद इसको जो है आप नॉर्मली सेव कर देना एंड ये काम जो है हमारा हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करना, अब आपको जो है ये वाली फाइल को ऐड करना है management.tf में, तो इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इधर आना, जो हमारी सेकेंड फाइल है ना, इस पर क्लिक करना, इधर नीचे आना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। एंड ये हमारा काम हो चुका है। मैं इधर जो है सेव पे क्लिक कर देता हूँ एंड या हमारा काम हो गया है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद इधर आना है, फर्स्ट वाली विंडो पे जाना है,
एंड इसको पेस्ट करना है। अब इधर अगर आपको एरर आती है तो आपने शायद पुरानी स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम करी होगी, तो आप देख के करना वापस से, एंड या अगर एरर नहीं आती तो मेरे साथ कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। इसको कॉपी करना एंड इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, ठीक है, ये हो चुका है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसको कॉपी करना है, इधर आना है, इसको पेस्ट करना है, एंटर दबाना, ठीक है। सो अब बेसिकली टेराफॉर्म का प्लान है, इसे ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। अगर ऑथोराइज पे आपको एरर आती है तो बेसिकली आपने कुछ प्रॉब्लम करी है लैब के अंदर, तो आपको लैब जो है वापस से करनी पड़ेगी या फिर आपको वापस से पुराने स्टेप्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कॉपी करना एंड इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना, एंड ये टेराफॉर्म है, अप्लाई करना है। अब वैल्यू में आपको शायद यस लिखना रहता है जहाँ तक मुझे पता है, एंड या वैल्यू में हमें यस टाइप करना है तो YES लिखना है, एंटर प्रेस कर देना, एंड ये या क्रिएट होने लग रहा है। सो बेसिकली पहले से क्रिएट हो जाने दो, तब तक हम आगे की प्रोसेस की ओर देख लेते हैं और क्या क्या है। सो मैं VPC नेटवर्क में जाके, VPC नेटवर्क के अंदर जाके मैनेजमेंट नेट VPC नेटवर्क विद इट्स सबनेट हमें एक फायरवॉल पे क्रिएट करना है, मतलब एक फायरवॉल क्रिएट करनी है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। सो पहले इस कमांड को जो है रन हो जाने दो, जैसे ये क्रिएट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। ये क्रिएट होने में कम से कम 5-1 मिनट लेगा, तो एक बार इसे क्रिएट हो जाने दो, देन हम आगे वीडियो में बात करते हैं। 5 मिनट से भी पहले हमारा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया, बहुत जल्दी ही क्रिएट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम इस टास्क पे थे, हमें VPC नेटवर्क के अंदर जाना है, ठीक है। तो यार VPC नेटवर्क को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जो है वापस इधर आना, एंड इसको जो है मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया है मैंने। अब मैं इधर जो है इसको पेस्ट करता हूँ, एंड इधर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर देना, एंड इसको ओपन हो जाने दो पहले गाइस। सो ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब इधर आके आपको फायरवॉल पे क्लिक करना है, इधर साइड में देखो ऑप्शन दिख रहा होगा फायरवॉल, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फायरवॉल का ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। अब आपको जो है बेसिकली अगर ऐसा कोई दिखे तो हाइड इन्फो पैनल पे क्लिक कर देना, एंड इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना, इसको डिसमिस कर देना। सो बेसिकली हमने ये सब कर लिया। अब हमें क्या करना है, फायरवॉल के अंदर आकर हमें जो है व्यू मैनेजमेंट अलाउ HTTP SSH RDP ICMP फायरवॉल रूल को हमें व्यू करना है। कैसे करेंगे, नीचे स्क्रॉल करना है आपको, एंड ये जो रूल होगा ना आपका भी कुछ इसी टाइप का बना होगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप ऐसे अंदर आ गए हो इसके। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर आपको जो है ये देखो क्रिएट हो गया, ये देखने के लिए इसने बोला था। अब हमें VM इंस्टेंस के अंदर जाना है, और या आप चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना, सारी चीजें हो चुकी होगी एंड आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखते हैं ये टिक लगता है कि नहीं, इसको चेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेसिकली वेट करो, देखो टिक लग चुका है। अब हम टास्क की ओर बढ़ते हैं। टास्क में हमें क्या करना है, हमें जो है प्राइवेट नेट करके एक जो है फाइल को प्राइवेट नेट डॉट TF करके एक फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। किसके अंदर करना है, TF नेट के अंदर। सो इसको कॉपी कर लेना एंड इधर आना। अब हमें सेकेंड वाली विंडो में जाना, एंड इधर ये जो TF नेट है ना इस पर लेफ्ट क्लिक करना, एंड न्यू फाइल पे क्रिएट करना, एंड पेस्ट कर देना इसको, स्पेसिंग का ध्यान देना, ओके पे प्रेस करना। एक और नई फाइल जो है आपकी क्रिएट हो गई है इधर, एंड इधर आना आप इस वाली चीज को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद इधर आना पेस्ट करना, ठीक है। इधर आने के बाद इधर आना, फिर इसको कॉपी करना एंड इधर आना, एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना, बस इधर आना, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना। अब आपको इसको जो है कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद जो है एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना, ठीक है। ये हमारा बेसिकली सारा काम जो है हमने कर लिया है, एंड सारी चीज़ें हमारी हो गई है। सो ये आप कुछ सेव कर सकते हैं अब इसको, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इधर फाइल पे क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें नीचे जाना है, हमें फायरवॉल रूल ऐड करना है, तो इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इधर आना, एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना, ये हमारा फायरवॉल रूल क्रिएट हो गया। फिर से आना, सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आपको जो है कुछ और प्राइवेट नॉट डॉट TF में ऐड करना है, तो इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो है इधर आना, एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना, ये आपका काम हो गया। देन इधर आना वापस से, नीचे स्क्रॉल करना, एंड या इसको बस आपको अब सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, इधर आएंगे, फाइल पे क्लिक करना एंड सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा हो चुका है बेसिकली काम। अब आपको जो है इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद इधर आना है, वापस से फर्स्ट वाली विंडो पे जाना। नीचे से मैं अपना क्लाउड शेल वापस ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है, एंड या इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ। सो ये देखो सक्सेसफुली हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अगर इधर एरर आती है तो आपने शायद पहले वाली स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम करी है, तो आप वो वापस से चेकआउट कर लेना एक बार, एंड देन नेक्स्ट कमांड पेस्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, ये इनिशियलाइज करेगी, ये भी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। देन अब थर्ड कमांड को रन करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। सो ये सक्सेसफुली हो रहा है रन। अगर ये सक्सेसफुली रन ना हो तो वही चीज़ है कि आपने पुरानी स्टेप्स में कुछ एरर करी है, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारा सक्सेसफुली रन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। देन इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे,
ये कमांड भी जो है फटाफट रन हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट में रन हो जाएगी। देखो यार इधर ऐसा एंटर वैल्यू के टाइम पे आपको यस लिखना है एंड एंटर दबाना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्रिएट। अब अपनी नेक्स्ट कमांड को आप नीचे, मतलब कमांड क्या है, अब नीचे स्क्रोल करेंगे, वापस से वही चीज है, चेक करने का इसने बोला है। एंड चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि ऐसे रूल अगर क्रिएट हो गया है, देन हमें कंप्यूट इंजन के अंदर जाना है, देन हमें SSH शेल को कनेक्ट करना है प्राइवेट USVM के, ठीक है। कैसे करना है मैं बिल्कुल बहुत शांति से बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, वापस से बैक आना है, पहले इस कमांड को बेसिकली रन हो जाने दो। जैसे ही रन होगी हमें एक जगह पे पहले चेक करना है ना, एंड देन उसके बाद हम कंप्यूट इंजन की ओर बढ़ेंगे, वहां से हमें जो है SSH शेल को कनेक्ट करना है। सो बेसिकली पहले ये कमांड रन हो जाए, देन हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते, तो वेट करते गाइस, पहले एक बार रन हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। सो यार ये रन हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, मतलब मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड या मैं वापस से बाहर आता हूँ बैक बैक पे प्रेस करके। अब आप इसको जो एक बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अब हमारा एक और नया रूल जो है इधर ऐड हो चुका होगा, मैं दिखाता हूँ। सो देखो इधर प्राइवेट नेट करके जो भी हमने करा था वो ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है, एंड इधर जो है कंप्यूट इंजन पे क्लिक कर देना बस, ठीक है। कंप्यूट इंजन आपका ओपन हो जाएगा, इसे ओपन हो जाने दो अभी। सो यार ये लोड हो रहा है कंप्यूट इंजन हमारा, अगर ऐसा आए तो शो इन्फो पैनल की जगह पे नहीं, शो नहीं, इधर क्रॉस पे क्लिक कर देना, एंड या ऐसा कुछ ओपन हो चुका है। अब आपको जो है SSH शेल कनेक्ट करना है प्राइवेट नेट US का, है ना। तो यार इसी का हमें SSH शेल कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करना है एरो पे, एंड व्यूइंग गूगल क्लाउड पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली एक कमांड जो है आपके गूगल क्लाउड पे आ जाएगी, बस रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हमारी एक कमांड आ गई, नॉर्मली बस एक बार एंटर प्रेस करना, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद कैपिटल Y लिखना, एंटर दबाना, ठीक है। अब 2 बार एंटर प्रेस करना, 1 2, ये हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका काम खत्म इधर। अब आपको नीचे आना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद इसको जो है अपने किसी भी नोटपैड में लिख लो फटाफट। सो मान लो इधर मैंने नोटपैड में इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, वापस से अपनी वाली विंडो पे आना है, मैं SSH शेल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ अभी। ये जो इंटरनल IP दिखा है ना, ये प्राइवेट नेट का आपको कॉपी करना है, जैसे ही माउस लोगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना एंड कॉपी कर लेना। अब इधर से ब्रैकेट हटाना यहाँ तक, ठीक है, एंड इसको जो है पेस्ट कर देना, एंड इसको जो है कॉपी कर लेना। अब इस कमांड को कॉपी करना है, एंड आपको जो है अब इसको वापस से SSH शेल में रन करना है। इसको मैं स्क्रीन को वापस से बड़ा कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, पेस्ट करा, एंटर दबाया। सो यार देखो बेसिकली हमारा रन हो चुका है, पिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो हो चुका है कंप्लीट। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करना, आपका जो टास्क है इजिली कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है mynetwork.tf के नाम से, TF नेट के अंदर ही, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, है ना, सेकंड वाले वापस उस पर आना, एंड इस पर जो है TF नेट पे लेफ्ट क्लिक करना, एंड फोल्डर पे क्लिक करना, एंड इसको जो है पेस्ट करना, स्पेसिंग का ध्यान देना, ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड सॉरी गाइस, मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं करना था, हमें एक फाइल क्रिएट करनी थी, तो यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट में कर दिया है। एंड एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, फाइल ही क्रिएट करनी है ना हमें, हाँ फाइल क्रिएट करनी है गाइस। तो यार tf.net पे लेफ्ट क्लिक करना, एंड न्यू फाइल पे क्लिक करना, ठीक है, एंड पेस्ट कर देना, एंड ओके पे क्लिक कर देना। सो ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब हमें इसमें भी चीज़ें डालनी है, कैसे डालेंगे, इसको कॉपी करना है आपको, इधर आना है, पेस्ट करना है, देन वापस इधर आना है, इस वाले को कॉपी करना है, एंड इधर आना है, ये जो है नेटवर्क माई नेटवर्क लिखा है, इसके बाद एंटर दबाना, इस लाइन को पेस्ट कर देना, देन आप जो है इसको नीचे स्क्रॉल करना, देन इसको जो है कॉपी कर लेना। अब आपको जो है इसको, एक मिनट गाइस, हमारी फाइल कुछ इसी तरीके से दिख रही है, तो इसको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेव पे क्लिक करना, अब इसको कॉपी कर देना, एंड या इधर एंटर प्रेस करना, यहाँ से रिसोर्स के नीचे आके, एंड इसको पेस्ट कर देना, ये हो गया, ठीक है। अभी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे स्क्रॉल करो, इसको कॉपी कर लेना, एंड इसको कॉपी करने के बाद जो है इधर आके एंटर प्रेस करना, पेस्ट करना। अब आपको इधर आना है वापस से, एंड या अब आपको इसको फाइल को सेव करना है, इधर आना, फाइल पे क्लिक करना, एंड सॉरी फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फिर से कमांड रन करनी है, एंड इधर आएंगे, कमांड कॉपी करी, वापस आएंगे फर्स्ट पे, इधर से अब एग्जिट लिखना सबसे पहले, EXIT, एंड देन एंटर प्रेस करना, ठीक है। इसके बाद इस कमांड को पेस्ट करना एंड रन करना, ठीक है। सो ये रन हो चुका है, अब आपको क्या करना है, वापस इधर आना है, देन इसको कॉपी करना है, इसके बाद इधर पेस्ट करना है इसको, एंड एंटर दबाना। बेसिकली अगर आप ये ढंग से नहीं करोगे तो आपको इसी स्टेप पे एरर आ जाएगी, एंड आप आगे के स्टेप्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेना, आप इधर आना, पेस्ट करना, एंटर दबाना,
एंड या हमारी जो सक्सेसफुली कमांड जो है रन हो चुकी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो या अगर इसमें एरर आती है तो आपने बेसिकली कुछ प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, एंड अभी आप कंटिन्यू ना करो तो फिर ज़्यादा अच्छा है आपको, मतलब चेक करना पड़ेगा वापस से। सो पेस्ट करना, एंटर दबाना, टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया है हमने। अब इस वाली कमांड मतलब यस लिखना है अब तो नॉर्मली हमें, तो दिखाता हूँ मैं। देखो एंटर वैल्यू आया, वाई ई एस लिखना, एंटर प्रेस करना, एंड या ये क्रिएट कर रहा है हमारे लिए एक फायरवॉल रूल हम जैसे बोल सकते हैं, एंड नीचे स्क्रॉल करना, वापस से वही चेक करने की प्रोसेस बोली है। एंड इस वाली कमांड को अब यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, अपने नोटपैड में इसको पेस्ट करके रख लो अभी, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, अभी आपको जो है वापस से उसी विंडो पे आना है एंड इधर आना है। इधर आने के बाद जो इसे एक बार क्रिएट हो जाने, तो क्रिएट होने में बेसिकली एक या दो मिनट लगते तो क्रिएट हो जाएगा। एंड गाइस सॉरी जो भी बाहर से नॉइज़ आ रही है उसकी वजह से, एंड या वेट करो गाइस, बस फटाफट ये रन हो जाए देन हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बस ये लैब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। सो या 30 सेकेंड्स हो चुके एंड ये क्रिएट हो रहा है अभी भी। सो बेसिकली ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया हमारा, है ना, ये इधर क्रिएट होने वाला है भाई, ये कंप्लीट हो गई ये कमांड, बस फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए कम्प्लीटली, देन हम आगे के प्रोसेस में आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सो बेसिकली ये हो गया है कंप्लीट, ऑलमोस्ट होते जा रहा है, एंड या बस कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, स्टिल क्रिएटिंग, एंड ये कमांड हो गई है कंप्लीट, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, इधर रिफ्रेश पे क्लिक करना है आले पे, ठीक है, रिफ्रेश पे क्लिक करोगे। सो यार अब आपको जो है एक और देखो नया आपको देखने को मिल गया इधर, इधर ये दो तीन चीजें नई नई आ गई है अब, ठीक है। सो यार अब वापस इधर आना, अब इसने क्या बोला है, माई नेट EUVM, ठीक है, माई नेट EUVM पे आपको जो है SSH सेल जो है इसका कनेक्ट करना है, माई नेट EUVM का आपको IP एड्रेस नोट करना है, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं, माई नेट जो दिख रहा है, माई नेट EUVM, ठीक है, ध्यान से करना गाइस, इधर मिस्टेक्स होती है काफी ज्यादा, तो इसको कॉपी करना एंड इधर नोटपैड में आना, ठीक है, इधर आके इसको रिमूव करना यहाँ तक, एंड इसको जो है पेस्ट कर देना, अब इसको मिनिमाइज कर देना। अब आपको जो सेकंड वाला है ना माइनेट USVM, इसके SSH सेल पे क्लिक करना है एंड इसको व्यू इन गूगल क्लाउड पे क्लिक करना एंड देन वापस से रन इन क्लाउड सेल पे क्लिक कर देना, ठीक है। ऑटोमेटिकली कमांड लिखिएगी, एंटर प्रेस करना, देन आपको ये बोलेगा वाई टाइप करने का, ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड डायरेक्टली ऑन हो जाए तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डायरेक्टली ऑन हो चुका है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, और अगर पूछेगा वाई प्रेस करना एंड दो बार एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब जो है हमारी यहाँ पे कमांड जो हमने कॉपी करी थी, यहाँ से कॉपी करना एंड जो है इधर आके इसको पेस्ट करना, एंटर दबाना, तो बेसिकली ये पिंक कर रहा है हमारे उस जो भी हमने क्रिएट करा है, ये हो चुका है कंप्लीट। सो या आपकी लैब जो है फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना, ये वाला टास्क जो है बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये, एंड या एंड लैब पे क्लिक करना, मैं बता देता हूँ टिक लगा है या नहीं लगा है मेरी लैब पे। सो या एंड लैब पे क्लिक करा एंड जो भी आपको कमेंट देनी है दे देना, ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर देना एंड बैक करना, बैक करने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करना। सो या आपकी याली जो है, याली लैब भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।